प्रदेश के अमरोहा में एक महिला की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पति समेत परिवार के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पति के द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाता था, महिला के साथ मारपीट भी की गई और उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामूली विवाद के चलते पति और बेटे ने परिवार संग मिलकर महिला के साथ मारपीट की। घायल महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मायके वालों ने पति, बेटे और सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल मामला है जनपद अमरोहा के थाना डिडोली क्षेत्र के गांव इकोदा का, जहां पर नरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी शादी थाना रजबपुर क्षेत्र के घनसूरपुर निवासी बबली के साथ हुई थी। परिवार में बेटा सागर भी रहता था। पति और पत्नी के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में मारपीट भी हुई, जिसमें बबली गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे आनंद फानन में निजी चिकित्सक के यहां इलाज के लिए लाया गया और इलाज के दौरान बबली की मौत हो गई। मायके वालों ने पुलिस थाने में पति, बेटा और सास ससुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के डिडोली थाना क्षेत्र में ग्राम इकोदा में एक महिला की हत्या हो गई है। शादी के 23 साल हो गए थे। पति सहित चार लोग आरोपित किए गए हैं। अभी वो पंजीकृत है, अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। सर, किस तरह से मारा है? रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा के हत्या की गई है। सर, आरोपी की मतलब उसको पीटा भी है पहले, उपचार के दौरान मौत हुई है। अब पीएम रिपोर्ट डिटेल देखने में पता चलेगा, लेकिन गला दबा के हत्या आना प्रमाणित है। ठीक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.